नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने कई बार लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि क्या हमारा देश इस काबिल है कि बाहर आए सभी डेलीगेट्स को एक जगह एकत्रित कर बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस, बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करने के काबिल है। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने अभी रिसेंटली देखा कि G20 समिट यहाँ पर हुई थी, जिसमें इंडिया होस्ट था और बहुत अच्छी तरीके से G20 समिट का सारा काम निपट गया। उसी के लिए दोस्तों, भारत मंडपम का भी इनॉग्रेशन किया गया, जो कि भव्य था, और भव्य रूप में इस पूरी G20 समिट को कंप्लीट किया गया। हालांकि बहुत सारी ऐसी ऐसी नई नई तकनीकों से भारत मंडपम को नवाजा गया, जहां पर सारे डेलीगेट जितने भी भारत देश दौरार से आए थे, उन सभी को यहाँ पर एक जगह एकत्रित किया गया। भले ही चाहे डिनर की बात हो या फिर मीटिंग्स की बात हो, तो बहुत अच्छे से वो सेटल हुआ। उसी के साथ साथ दोस्तों, आपको पता है कि कल पीएम मोदी जी का बर्थडे था, और उन्होंने अपने बर्थडे पर यहाँ पर एक यशो भूमि कन्वेक्शन सेंटर का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ, जब हमारे पास ऑलरेडी भारत मंडपम है, तो यशो भूमि को बनाने की क्या जरूरत है? और भारत मंडपम से ये यशो भूमि, जो कि इनॉग्रेट की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा उनके जन्म दिवस पर कल, तो दोस्तों यहाँ पर इस यशो भूमि को बनाने की भी क्या जरूरत है, और ये किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है भारत मंडपम से, तो ये वीडियो में आज हम इलेबोरेटिवली समझेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आगे जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप नए जुड़े हैं मेरे साथ इस चैनल पर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू डेली मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, हम यहाँ पर WBCS, SSC, बैंक, रेलवे सभी की प्रिपरेशंस करवाते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस शीट्स वगैरह सब कुछ आपको हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर नीचे दिखाई देगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के दिन यशो भूमि का उद्घाटन किया। दोस्तों, दुनिया में जो भारत है वो अब बहुत आगे बढ़ने वाला है। आपको पता है, हम हमेशा बात करते हैं कि भारत का जीडीपी ले लो, या भारत की आप प्रोडक्शन की बात कर लो, या जी भारत की जो आप यूपीआई की बात कर लो, जो कि अपने आप में ही काबिल तारीफ है। हर चीज को अगर मैं यहाँ पर एक असेंबल करूँ और एक मुद्दा बनाऊं, तो भारत आज कहीं पे भी पीछे नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है। इवन ये भी बात है कि आगे आने वाले 5 सालों में, 7 सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी भारत बनने वाली है। और दोस्तों, इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो जीडीपी की है, वो भी काफी अच्छी रही है कोविड के बाद। कोविड के बाद हमने सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर लेकर आए हैं हमारे देश में, ग्रोथ में। तो उसी प्रकार दोस्तों, जो डेवलपमेंट है किसी कंट्री का, वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है, वन ऑफ द मेन फैक्टर फैक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में उसका बहुत सहयोग करता है। तो उसी तरीके से, जैसे भारत मंडपम हुआ, या फिर मान लीजिए यशो भूमि क्यों ना हुआ, ये बहुत इलेबोरेटिवली यहाँ पर काम करेंगे भारत के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने फोटोज आज मैंने इस वीडियो में ज्यादा इनकॉर्पोरेट किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग चीजों को समझ सके कि क्या है डिफरेंस इस भारत मंडपम और यशो भूमि के बीच, और ये यशो भूमि इतना विशाल क्यों है, किसकी इतनी तारीफ है दोस्तों यहाँ पर हो रही है। तो बेसिकली पीएम मोदी जी ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से यशो भूमि को द्वारका के दिल्ली में, सॉरी दिल्ली के द्वारका में यहाँ पर क्या किया, इनॉग्रेट किया। और यहाँ पर ये काफी इम्पॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट बन जाता है कि आप इसे पूरा अच्छे से यहाँ पर पढ़ें और समझें, ठीक है। तो बेसिकली मोदी जी ने अपने 73rd बर्थडे पे, जो कि 17 सितंबर को, यानी कल था दोस्तों, 11 बजे सुबह 2023, यहाँ पर फेज 1, यशो भूमि का फेज 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके कई सारे फेजेस आएंगे। तो अभी फिलहाल फेज 1 यहाँ पर क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। ये एक तरीके का इंटरनेशनल कन्वेक्शन और एक्सपो सेंटर यहाँ पर रहेगा, जो कि द्वारका दिल्ली में आपको अभी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में ये बात। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से देखिए इसका फेज है, मतलब अगर मैं बात करूं कि लुक कैसा है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अपने आप में ही दोस्तों बहुत अलग है ये बिल्डिंग, ठीक है। क्यों है ऐसा,
आप अंत तक देखते रहिए, सब कुछ आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट, अगर मैं पॉइंट्स बताऊं इस बिल्डिंग के अंदर है, एक एक कर हम सारी बात करेंगे, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये पूरे विश्व का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड का वर्ल्ड लार्जेस्ट माइस बनेगा, ठीक है? माइस यहाँ पर क्या होता है, माइस होता है मीटिंग्स, ठीक है, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन फैसिलिटी सेंटर, ठीक है? तो यहाँ पर ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा माइस फैसिलिटी सेंटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये करीबन करीबन दोस्तों पूरा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एरिया जो है इसका वो करीबन करीबन पूरा 8.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, और अभी तक फेज वन सिर्फ 1.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर ही डेवलप किया गया है। तो आगे भी आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से लग रहा है। अब इसकी आगे की खासियत जानते हैं। सब कुछ जो है दोस्तों यहाँ पर एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। एक मेन फैक्टर आ जाता है, जब भी कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। तो एनवायरनमेंट सस्टेन करते हुए ही इस पूरे फेज वन का डेवलपमेंट किया गया है। आपको सारा वाटर वेस्ट सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा, सब कुछ सोलराइज्ड है यहाँ पर। दूसरी बात है, किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आपको देखने को मिलेगा, कोई भी तरीके की यहाँ पर वेस्टेज नहीं होगा, जो भी वेस्टेज होगा उसे रीयूज किया जाएगा, इवन वाटर को भी ले लो आप। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर पूरी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज कि ये इतना न्यूज में क्यों है, तो एक बार हम लोग पूरी इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू इनॉग्रेट फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल कन्वेक्शन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि इन द्वारका न्यू दिल्ली एट 11 AM ऑन संडे सेप्टेम्बर 17 जून का 73rd बर्थडे था दोस्तों। इसकी पूरी डेवलपमेंट कॉस्ट लगी है 5,400 करोड़। दोस्तों ऑलरेडी हमारे पास अब यहाँ पर भारत मंडपम था और उसको भी बनाने में काफी करोड़ रुपए लगे हैं, तो वापस से यशो भूमि बनाने की क्या जरूरत थी? ये एक तर्क का मुद्दा हो सकता है, और ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कि आप सच में ऐसा सोचते हो कि यशो भूमि बनाने की कोई जरूरत नहीं थी जब हमारे पास भारत मंडपम ऑलरेडी अब अवेलेबल है। तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है यहाँ पर। एंड स्प्रेड ओवर अ प्रोजेक्ट एरिया ऑफ 8.9 लाख स्क्वायर मीटर यशोभूमि कन्वेक्शन सेंटर हाउसेज कंसिस्ट ऑफ 15 कन्वेक्शन रूम्स, अ ग्रैंड बॉल रूम, 13 मीटिंग रूम्स विद अ टोटल सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 11,000 डेलीगेट्स। दोस्तों इस पूरी यशोभूमि फेज वन में 11,000 डेलीगेट्स समा सकते हैं एक एक टाइम पर, एट अ टाइम 11,000 डेलीगेट्स एक टाइम पर मीटिंग कर सकते हैं। इसमें 15 कन्वेक्शन रूम्स हैं, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है और 13 मीटिंग रूम्स भी यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको करीबन ये एट एट यहाँ पर 8 लेवल्स पर ये बिल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब 8 इसके क्या रहेंगे, स्टेजेस रहेंगे, मतलब आपके लेवल्स रहेंगे 8 लेवल्स, राइट? और यहाँ पर दोस्तों इसे बहुत इजीली कनेक्ट भी किया गया है मेट्रो लाइन से। वो कैसे, वो हम आगे एंड में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप इसका ऑडिटोरियम देखिए, जो इसका मेन अट्रैक्शन है, ठीक है? यहाँ पर जो ये ऑडिटोरियम है दोस्तों, इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित हूँ आपको ये बताने के लिए। तो यहाँ पर ये जो ऑडिटोरियम है, बेसिकली यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में ये जो कुर्सियां आप देख पा रहे हैं ना, ये सब वॉइस ऑटोमेटेड है, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है कि ये जो कन्वेक्शन सेंटर में जो सबसे बड़ी ऑडिटोरियम है, जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर एक टाइम पे एकत्रित हो सकते हैं, उसमें सारी जो चेयर्स हैं वो ऑटोमेटेड सीटिंग सिस्टम के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को जानने के लिए, ठीक है? अच्छा, इसमें मैम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, थोड़ा सा हमको ये भी बता दीजिए। तो ये करीबन ऑडिटोरियम 6,000 लोगों की एट अ टाइम कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है, ठीक है? और इसे बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स, ठीक है, नेशनल इनकम की मीटिंग्स जब होती है या फिर फाइनेंस की कोई बात होती है, जीत होती है, तो आराम से वहां पर लोग आ सकते हैं, जितने भी डेलीगेट्स हैं वो आ सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। इवन सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, बल्कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे TCS, विप्रो, ठीक है, या फिर टाटा की कोई कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की कोई, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे पास यहाँ पर यूनिकॉर्न्स हैं, वो भी अगर अपनी मीटिंग, एनुअल मीटिंग्स, GM मीटिंग्स यहाँ पर करना चाहें तो इसे बुक कर सकती है, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट फेज यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ
एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे स्टार्टिंग में ही आप लोगों को चीज बता देनी चाहिए थी दोस्तों। जैसे कि फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये जो आप एक चीज देख रहे हैं ये कोई बोर्ड नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है, ठीक है, होल्डिंग नहीं है ये, कि बेसिकली एलईडी मीडिया फसाड है, ठीक है। ये जो पूरा है ये एलईडी है, आप जैसे देख पा रहे, जैसे आपने दुबई का जो बुर्ज खलीफा देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा, तो उसमें भी एलईडी लगी हुई है, आपको पता है ना। उसी तरीके से ये जो आपका पूरा यशो भूमि है, इसकी जो ऊपर की ये चीज आप देख पा रहे हैं, ये कोई होर्डिंग नहीं, कोई पोस्टर नहीं छपा हुआ है, ये है पूरी एलईडी, ठीक है। और इतनी बड़ी एलईडी पूरे और कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ये यशो भूमि में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अट्रैक्टिव है, इवन मैंने इसकी नाइट फोटो भी यहाँ पर लगाई है, ताकि आपको मैं और इजीली यहाँ पर समझा पाऊँ कि क्या है ये और किस तरीके से ये रात को दिखेगा। तो ये रात को तो और भी खूबसूरत दिखेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इवन मुझे उसकी याद दिलाता है, जो फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है ना दुबई में, आपको पता होगा, कुछ उस तरीके से जब रात को चमकता है ना, तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों दिखाई पड़ता है, तो काफी सुंदर लगेगा, ठीक है। रात और दिन दोनों की फोटोज मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया, ताकि आप समझ सकें बात को कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो ये एलईडी जो है वो काफी बड़ी यहाँ पर रहेगी, देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने, द गवर्नमेंट्स यशो भूमि प्रोजेक्ट बोस्ट द मैग्निफिशेंट कन्वेक्शन सेंटर इक्विप्ड विद लार्जेस्ट एलईडी मीडिया फसाड इन द कंट्री एंड विद द स्टेट ऑफ आर्ट सिटिंग फैसिलिटीज एम्ड एट इंश्योरिंग वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस टू द विजिटर्स। नाउ दिस यशो भूमि विल गोइंग टू स्ट्रेंथन द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ हैविंग अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर होस्टिंग मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन इन द कंट्री, राइट। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता है, ये जो ऑडिटोरियम की बात मैंने करी, जिसमें 6,000 कैपेसिटी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सिटिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ऑटोमेटेड रहेगा। और दोस्तों जो पीएम मोदी का यहाँ पर विजन है कि हमारे इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई बाहर से आए तो देखता रह जाए कि ये इंडिया है, मतलब ये भारत में ऐसी फैसिलिटीज भी हैं, ठीक है, हम कहीं किसी जापान, चाइना, यूएस, यूके से पीछे ना है। तो ये हमारा क्या है, मोदी जी का विजन है बेसिकली। तो अब देखो सिंपल बात है, जैसे कि एक दुकानदार, आप किसी दुकान में गए, ठीक है, वो अपना बेस्ट प्रोडक्ट आपको सबसे पहले दिखाता है, आपकी इमेज इतनी अच्छी बन जाए उस दुकान के लिए कि आप बार बार उसे विजिट करें, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से साइकोलॉजी से यहाँ पर हर वो चीज इनॉग्रेट की जा रही है भारत में, जो कि भारत के रेपुटेशन को ऊपर लेकर जाती है, ठीक है। तो ये एक चीज आप यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। जो कॉन्फिगरेशन है ना दोस्तों, उसे बहुत सॉलिड यहाँ पे किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ही आ जाता है बेसिकली बॉलरूम टाइप का, जैसे आपको पता है कि जैसे आप किसी शादी में भी जाते हैं तो वहाँ पे ओपन एरिया होता है ना, मतलब इसे ओपन एरिया नहीं, आजकल तो क्लोज्ड ही होता है मोस्टली, शादी आजकल दिन में होती है, क्लोज्ड एरिया में होती है, अगर मान लीजिए बड़े बड़े शहरों में हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक वेन्यू बुक करते हैं, तो एक बहुत बड़ा हॉल हमें दिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक ये क्या है, बॉलरूम है, जो कि यहाँ पर डिनर्स वगैरह इन सबको क्या कर सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है। इसकी जो यहाँ पर कैपेसिटी है वो 2500 है दोस्तों, मतलब 2500 लोग एट अ टाइम यहाँ पर इस बॉलरूम में गैदर हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस बॉलरूम के बाहर एक वेटिंग एरिया भी है, जहाँ पर 500 लोग गैदर हो सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 3000 लोग की बॉलरूम की कैपेसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ जैसे कि एक ऑडिटोरियम, एक बॉलरूम और 13 मीटिंग रूम्स यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग में है, जो कि 8 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये काफी ह्यूज है, काफी बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको ये बताया एलईडी के बारे में, ये भी एक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है इस बिल्डिंग का। टोटल प्रोजेक्ट इसका जैसे कि मैंने आपको बताया माइस डेस्टिनेशन है, 8.9 लाख स्क्वायर मीटर्स का है। साथ ही साथ 11,000 डेलीगेट्स को कर सकता है कंबाइंड। ग्रैंड बॉल रूम है इसमें और 13 मीटिंग रूम्स है विद 15 कन्वेक्शन रूम्स। एलईडी इक्विपमेंट फसाड है। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एक और पॉइंट जो है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर टेराजो फ्लोर्स हैं। टेराजो फ्लोर्स क्या होते हैं, जो रंगोली फ्लोर्स होते हैं ना, इनकी फोटो भी मैंने लगाई आप लोग के लिए, रंगोली जैसे हम बनाते हैं घर में, तो रंगोली पैटर्न के फ्लोर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रुके आपकी, हाँ ये कुछ इस तरीके से, और ये देखिए इसको बोलते हैं टराजो फ्लोर्स, ठीक है, रंगोली पैटर्न पर। और उसके बाद आपको सिलेंड्रिकल ये भी दिख रहे होंगे स्पाइक्स यहाँ पर, ठीक है, सिलेंडर शेप में। इनका काम क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये जो नॉइज है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इस रूम में जो भी आवाज है वो बाहर नहीं जाएगी। तो ये जो यहाँ पर सिलेंड्रिकल इक्विपमेंट्स आपको दिख रहे हैं ऊपर रूफ पर, ये सिर्फ ऐसे डिजाइन के लिए नहीं है, इनका बहुत मेन रोल है, ये सारी नॉइज को क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा भी है इसको, फॉर द सस्पेंडेड साउंड एब्जॉर्बमेंट मेटल सिलेंड्रिकल स्लिप्ट अप द
पैटर्नड वॉल्स, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, हर चीज यहाँ पर सोच समझ कर दोस्तों बनाई गई है। और यहाँ पर ये पूरा ध्यान रखा गया है कि जो एनवायरमेंट है उससे कमिटेड रहे, ग्रीन कमिटमेंट यहाँ पर पूरी दी गई है कि भैया यशो भूमि को बनाते समय हम ये ना भूलें कि हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट है या फिर जो हमारे यहाँ पे पूरा नेचर है उसे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी रहेगी, ठीक है। वेस्ट वाटर रियूज की पूरी बात यहाँ पर की गई है, और उसी के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी। पूरी रूफ टॉप भी है वो सोलर पैनल रहेंगे। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इसे ग्रीन सिटीज प्लैटिनम सर्टिफिकेट भी दिया गया है, ठीक है। ये एक और एरिया है दोस्तों जो कि एग्जीबिशन के बाहर का एरिया है। एग्जीबिशन के बाहर जब आप वेटिंग करते हैं कि आप टिकट लेते हैं और फिर वेट करते हैं कि कब एग्जीबिशन खुलेगा और आप जाएंगे हॉल में, तो ये जो वेटिंग एरिया है ना कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं एग्जीबिशन हॉल 1, तो इसके अंदर का एग्जीबिशन हॉल कुछ दूसरा होगा, लेकिन ये वेटिंग एरिया कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो जो जो पिक्चर्स अभी रिलीज हुई है वो सारी मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है ताकि मैं हर चीज आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ। देखिए इस पूरे यशो भूमि में इंडियन कल्चर को लेकर भी बहुत ज्यादा साउंड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर हर वो चीज जो इंडियन कल्चर को डिस्पाइट करती है, डिराइव करती है, साथ ही साथ उसको शोकेस करती है, वो हर चीज इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। हर चीज जो है, चाहे डिजाइन हो या फिर वॉल्स ही क्यों ना हो, रूफ टॉप ही क्यों ना हो, सीलिंग ही क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई मीनिंग है यहाँ पर जो कि हमारे भारत के संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी सोच समझ कर चीजों को बनाया गया है दोस्तों। बाकी 5400 करोड़ का पूरा यहाँ पर कॉस्ट है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। अब बात आती है मैम, आप कुछ बता रहे थे हमें मेट्रो के बारे में। देखो यहाँ पर क्या है, कोई भी जगह बना ले, जैसे मान लीजिए यशो भूमि बना तो दिया, लेकिन अगर वहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, आपके पास कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो फिर ये तो मुश्किल की बात है। तो यहाँ पर इस चीज को भी बहुत मद्देनजर रखा हुआ है, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया गया है। तो यशो भूमि को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन, जो कि सबसे तेज मेट्रो लाइन है दिल्ली में, आपको पता है दिल्ली तो वैसे पूरी तरीके से सराउंडेड है मेट्रो से, बहुत सारी लाइन्स है मेट्रो की, वहां पर पूरा जाल बिछा हुआ है मेट्रो का, उसमें सबसे तेज जो लाइन है वो एयरपोर्ट वाली लाइन ही है जो कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट लाइन है, आपको पता है, जो द्वारका 21 भी जाती है। तो उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है द्वारका 25 सेक्टर तक, जो कि यशो भूमि का न्यू मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, एक्सटेंशन किया गया है इस एक्सप्रेस लाइन का। और जहां पर ये 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाई जाती थी, इसको यहाँ पर 120 किलोमीटर पर आवर से चलाने की बात की गई है, ताकि न्यू दिल्ली से यशो भूमि द्वारका सेक्टर 25 तक 21 मिनट में दोस्तों पहुंचा जा सके, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिविटी है इसे बिल्कुल सीमलेस यहाँ पर कर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर न्यू दिल्ली, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा दूँ आपको। यहाँ पर मान लीजिए न्यू दिल्ली, यहाँ से ये मेट्रो लाइन स्टार्ट होगी, फिर शिवाजी स्टेडियम, फिर धौला कुआं, फिर एरो सिटी, ठीक है, ये आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फिर ये द्वारका सेक्टर 21, ये लास्ट स्टॉपेज था। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया है द्वारका सेक्टर 25 तक, जो कि नया स्टेशन बनेगा यशो भूमि के नाम से, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन है ये बेसिकली जो फास्टेस्ट लाइन है कहलाती है मेट्रो स्टेशन की, और इसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर, और ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में इसे सिर्फ 21 मिनट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सीमलेस कनेक्टिविटी यहाँ पर दी गई है ताकि जो कन्वेक्शन सेंटर है उस तक पहुंचने में लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि आप जानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में किस तरीके का ट्रैफिक होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों आप लोगों को। तो यहाँ पर उस ट्रैफिक को किल करने के लिए सबसे इजी मीडियम जो है वो है, जैसे बॉम्बे की बात करूँ तो भाई लोकल ट्रेन, और अगर मैं और अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूँ तो मेट्रो, जैसे कि दिल्ली, कैलकटा या बेंगलोर। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो की कनेक्टिविटी को बेस्ट बनाया गया है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया गया है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या सोचना है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे, और आपको क्या लगता है सच में बताइएगा, भारत मंडपम होने के बाद भी क्या यशो भूमि की सच में जरूरत थी? क्या आपको लगता है कि इस पर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो सच में वर्थ है कि नहीं? क्या सच में इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लिए या किसी भी और देश के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए? ये सारी बातों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और यहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की न्यूज, इन्फॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिलेगी, ठीक है। तो फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए और मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर,
फॉर ऑल द लिंक पीडीएफ एंड वीडियोस पीडीएफ एवरीथिंग फर्स्टली ऑन दिस चैनल। सभी वीडियोस की, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे कोई अपडेटेड न्यूज़ हो, इसी की तरह सभी की पीडीएफ लिंक वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही सबसे पहले मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, यहाँ पर आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।